दोस्तों रैंडमली फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के आज के एपिसोड में हम मरियम औरंगजेब की फनी वीडियो दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे दोस्तों खान को कौन नहीं जानता। पीटीआई की शान, पाकिस्तानी यूथ की जान, जिस पर बच्चा बच्चा है कुर्बान, वो है इमरान खान। जब बात करते हैं तो कमाल की करते हैं, ट्रोल करते हैं तो अपने अंदाज में करते हैं, चाहे वो हो शहबाज नवाज या हो डडू चार्जर। जाने लगा था, रास्ते में कराची जा रहा था तो ये अभी जो फाइनल हुआ तो पीटीवी पे मैं देख रहा हूँ कि एक चैप्टर बैठा है और उसके साथ एक पाकिस्तानी कमेंटेटर बैठा हुआ है। अच्छा वो कौन था? मरियम औरंगजेब। उधर कौन देख रहा हूँ जनाब? मरियम औरंगजेब। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बैटिंग पहले नहीं करनी चाहिए। दोस्तों क्रिकेट की बात चल ही रही है तो लगे हाथ इस वीडियो को भी देख लो जिसमें मरियम औरंगजेब की बात सुनकर आप यही कहेंगे ये कैसी नाकाम डडू चार्जर है जो फीफा वर्ल्ड कप को पीटीवी के ऊपर नहीं दिखा रहे। लेकिन डडू चार्जर ने ये इल्जाम भी एआरवाई पर डालकर अपनी नाकामी को छुपा दिया। बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने जावेद। मैंने इसके ऊपर पूरी प्रेस टॉक करनी है और जब मैंने ये पता किया, जब हम आए, हमारी गवर्नमेंट आई, तो जिस वक्त आपको याद है कि मैंने एक प्रेस टॉक की थी ए स्पोर्ट्स वाली एआरवाई को, जो उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाली देकर उसकी पूरी, आपको मैंने जो अभी एफआईए के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, तो मैंने इसी तरह फीफा के बारे में पूछा। उस वक्त मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने फीफा के एयरिंग राइट से विड्रॉ कर लिया था अक्टूबर 2021 में। और क्यों कर लिया था? क्योंकि वो जो बगल बच्चा ए स्पोर्ट्स बनाया गया था उसको राइट्स देने के लिए। अब इस अगली वीडियो में मरियम औरंगजेब का इलम तो कमाल का है जिसमें यह लियाकत अली खान को 1954 में दोबारा जिंदा कर देती हैं। हालांकि लियाकत अली खान को 19 अक्टूबर 1951 में शहीद किया गया था। 1954 में पहली दफा लियाकत अली खान साहब ने ये तराना लॉन्च किया था। 16 अक्टूबर 1951 को उन्हें रावल पिंडी में शहीद कर दिया गया। भाई आपका नॉलेज तो कमाल। दोस्तों नून लीग की ये डडू चार्जर और बेइज्जती साथ साथ चलते हैं। नून लीगियों को ये चार्ज करने के लिए तो ठीक है, जब यही चार्जर किसी और पार्टी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आगे से धमाके होते हैं। नहीं, मैं डरता नहीं हूं किसी से। मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए मैं डरता नहीं हूं। बात में तुम क्या चीज हो? वाइंड अप करो चित्राली साहब। बैठो चित्राली साहब, मैं बात करूंगा। मैं इंसान हूँ, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, अपने बाप का बेटा हूँ। चित्राली साहब, मैं चेयर को एड्रेस करें, बात मुकम्मल करें। चित्राली साहब, आप चेयर को एड्रेस करें, बात मुकम्मल करें। और जनाब, हम खवातीन का एहतराम करते हैं, खवातीन का एहतराम करते हैं, लेकिन जनाब स्पीकर, मोहतरमा आप बैठ जाए, उनको बात मुकम्मल करने दे जी। जनाब स्पीकर, हम खवातीन का एहतराम करते हैं, खवातीन का एहतराम करते हैं, लेकिन खवातीन भी अपने हुदूद में रहे, हुदूद से तजावुज न करें। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। और हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।